इसके लिए आप सभी और अपने प्रदेश के नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी को तथा आप सभी लोगों को मैं अपने तरफ से बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं, यह वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम जब से विद्यालय खुला तब से प्रत्येक वर्ष होता चला आ रहा है। मेरा अपना एक सिस्टम है, मैं तो जिनसे मेरा एक बार परिचय हो जाता है, लगाव हो जाता है, चाहे व्यक्तिगत रूप में चाहे पार्टी के रूप में, मेरा उनसे कभी भी जुड़ाव नहीं हो पाता है। मेरा एक ऐसा स्वभाव है, मेरे साथ आज से नहीं 25 साल 30 साल से लोगों के अपने संबंध हैं। ये विधानसभा 2012 से रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में जुड़ा और 2012 से जुड़ा तो 2012 में चुना हुआ तो कोर्ट से मैं पीछे रह गया था, इसलिए आप सभी लोगों का सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाया था। इस बार आप सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया तो केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने भी आशीर्वाद दे दिया कि आपका सेवा ठीक ढंग से कर सके, इसलिए आज इस विद्यालय पर मैं आया और श्री अजय चौरसिया जी को, पूरे स्टाफ के लोगों को और सभी प्रबंध समिति के सदस्यों को तथा इस क्षेत्र के आए हुए सभी गणमान्य नागरिकों को, माताओं बहनों को और विद्यार्थियों को, बहनों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये विद्या का एक मंदिर है। ये सही बात है कि लोगों को लगता है कि हम फीस देते हैं, लेकिन ये भी सही है कि कम संसाधन में भी यहाँ पर कुछ अपने अध्यापक बंधु हमारे भैया और बहनों को शिक्षा देते हैं और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन भैया और बहनों से भी मेरा एक अपेक्षा है कि आप थोड़ा मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए राष्ट्र के प्रति हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, अपने देश के प्रति हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, हम अपने देश की संस्कृति को नष्ट नहीं होने देंगे, हम अपनी भारत माता के एक एक इंच की भूमि को कभी किसी को उस पर अंगुली उठाने नहीं देंगे, इस प्रकार का हमारा भाव शिक्षा के माध्यम से भी होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उदाहरण के तौर पर मेरा एक छोटा सा परिवार है, चाहे आपका छोटा सा परिवार है, अपने परिवार के लिए हम 24 घंटे में से 18 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम करके परिश्रम करके उसको हम सुसज्जित करने में बढ़ाने में लगे रहते हैं, संवारने में लगे रहते हैं, उसी प्रकार से एक अपना ये देश भी राष्ट्र रूपी घर है, ये हमारा एक राष्ट्र है और राष्ट्र रूपी घर है और उस घर में हम लोग निवास कर रहे हैं जो भारत और हिंदुस्तान देश है, और उस घर में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस भारत माता के परिवार का एक सदस्य है। तो हमारे माँ को कोई अगर बुरा बात कहेगा तो हम बर्दाश्त कर सकते क्या? जो माँ हमें पैदा करती है नहीं, कभी नहीं, नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसी तरह से दूसरी माता हमारी भारत माता है जो हमको अन्न देती है, जल देती है, वायु देती है, प्रकाश देती है, पूरा जीवन जीने का संसाधन देती है, ओ भारत माता। ये भारत भू माता नहीं होती तो गेहूं और अनाज और चावल हमको मिलता क्या? तो जितनी हमारी माँ वो माँ है जिसने हमको पैदा किया और हम कुछ खाने लायक नहीं थे तो दूध पिला करके खाने के लायक बनाया, और दूसरी माता वो माता है जो भारत माता है, जो भारत का भू है, वो हमारी माता है। तो वो माता भी हमको जब हम कुछ खाने लायक हो जाते हैं तो हमको पूरा जीवन जीने का संसाधन देती है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत माता की जय तो लोगों को, कुछ लोगों को ऐतराज होने लगता है कि भारत माता की क्यों जय? अमेरिका की कोई मां नहीं होती, इंग्लैंड की कोई मां नहीं होती, लेकिन हिंदुस्तान की भारत
तो भारत माता है, इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसलिए अब हमको भारत माता के लिए शिक्षा ग्रहण करते हुए हम भारत माता के लिए मरेंगे, हम भारत माता के लिए लड़ेंगे, हम भारत माता के लिए काम करेंगे। भारत माता स्वतंत्र है तो यह देश स्वतंत्र है, और यह देश स्वतंत्र है तो हम सभी लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि हम भारत माता के लिए काम करेंगे, पढ़ाई करते हुए, अपने घर परिवार को देखते हुए। बाकी मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, एक जगह देवरिया अभी कार्यक्रम में एक जाना है, इसलिए मैं थोड़ा आग्रह कर लिया आ जाए जिसे कि भाई हमको पहले थोड़ा बुला दी, जिनकी इच्छा थी कुछ देर और हम रहे। आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, लखनऊ से जब भी फुर्सत मिल रहा है मैं आऊंगा। जिस प्रकार से जिन जिन टोलों पर जाकर के हमने बैठक किया, आप लोगों से बातचीत किया है, वहां पूरा मैं समय दूंगा और आप लोगों की बातों को और समस्याओं को सुनने का प्रयास करूंगा, और जितना हमसे हो सकता है उसका समाधान कराने का भी प्रयास करूंगा। मेरा आपका सेवा करने का धर्म है, कर्म है, उसको निभाने में हम थोड़ा सा भी कुताही नहीं करूंगा। मैं आप सभी लोगों को चुनाव में भी आश्वासन दिया हूं और आज भी दे रहा हूं। एक प्राथमिकता है कि आपके सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान जहां तक हमारे सत्ता सरकार शासन और अपने पद के अनुसार हो सकता है उसको करने का काम करूंगा। पुनः आपके बीच में आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों को अपने तरफ से बधाई और धन्यवाद इसलिए पुनः देता हूं कि आप लोगों ने जिसके लिए अपना मतदान किया, कमल के फूल को जिताया, वो कमल का फूल आपके बीच में है और आपके बीच में आपके सेवा के लिए तत्पर है, आगे भी रहेगा। यही मैं आप सभी लोगों से आग्रह करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।